बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको, मेरे पास एक शलवार पड़ी है वाइट कलर की, जेंट्स शलवार है ये, इसकी मैं आपको अपनी बेटी की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 14 अगस्त के मौके पर जो बनाऊँगी इसको, ये देखिए ये मेरे पास शलवार है। तो सबसे पहले इसके पांचे अदा कर लेंगे हम कैंची से काट के। देखिए मैं इसके पांचे अदा कर रही हूँ, ये मैंने पांचे अदा कर दी हैं। अब ऊपर से नेफे की तरफ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे घघरी की। टोटल इसकी लंबाई है 15 इंच हम रखेंगे घघरी की चौड़ाई लंबाई, और हम इसकी टोटल लंबाई है शलवार की ज़्यादा है। इसमें से हम पेटी निकालेंगे, इसमें से ही हम बाजू निकालेंगे। देखिए 15 इंच पे यहाँ निशान लगाया मैंने, 15 इंच पे इधर निशान लगा लिया। ये काट दी, जब हम इसका नेफा खोलेंगे नीचे से तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेफा खोल के आप प्रेस करें इसको, फिर उस पर सिलाई में मैं आपको डिजाइनिंग करने में सिखाऊंगी। ये देखिए इसके ऊपर हमने जो मैंने से निकाल दिया कपड़ा मेहंदी वाला, वहाँ से हम कपड़े को खोल के दो घघरियाँ बन जाएगी, मेरी एक आगे और एक पीछे वाली। मैंने काट दिया, ये मेरी घघरी तैयार हो गई है। ये रहेंगी हमारी घघरी तैयार हो गई है दोनों साइडों की। ये जो पॉकेट है इसको मैं भी उतार दूंगी, बाद में हम इस हिस्से को रिमूव कर देंगे, पॉकेट वाले हिस्से को काट के अलग कर देंगे, क्योंकि इसके फ्राक के घेर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने नापे हैं ये 38 इंच हैं, 38 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम इस हिस्से को निकाल के आगे वाले दोनों हिस्सों को सिलाई करके फिर दोनों को बराबर रख लेंगे घेर, ऐसे ही घघरी बन गई हमारी। अब इसमें से हम उतारेंगे इसका यॉक, फ्राक यॉक बनाएंगे 12 इंच की, 13 इंच की बनाऊंगी यॉक में। ये 13 इंच पर निशान लगा दिया, ऐसे मैंने चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा रखी है, 11 इंच रखी है चौड़ाई, खोल के ये बन जाएगी 22 इंच। ये दो कपड़े हैं, अब इसको हम ऐसे काट लेंगे साइडों से, दो कपड़ा है ना इसको काट देंगे। दोनों को बराबर रख के काट लें, देखिए खोल के इतनी ज़्यादा चौड़ाई इसकी बन जाएगी, 22 इंच इसकी चौड़ाई है, और हम टोटल ही रखेंगे 22 की 22 ही। वैसे साइड से मेरा कपड़ा निकाल उतार दूँगी, खराब खराब आ रहा है, देखिए साइड में खराब खराब है, इसको उतार दूँगी। वैसे मैंने इसको सही रख लिया, ये दोनों हमारी बेटी है, हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे, गंदी कटिंग करेंगे। ये मैंने 6 इंच रखा है छोटी बच्ची का, इसलिए हम 6 इंच रखेंगे, इधर हम 7 रखेंगे। ऊपर से भी हमने उतार लेना आधा इंच। ये देखिए आपको नीचे से बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही होगी ये वाली, इसमें हम चौड़ डालेंगे, इसमें भी चौड़ डालेंगे, चाहे घघरी में भी चौड़ डालेंगे। आप सुन, मैं आपको बताती हूँ भी कैसे डालना है चौड़। ये जो कपड़ा नीचे बच गया था इसके हम बाजू काटेंगे, अब ये बाजू में कटिंग करेंगे, ये बाजू को कंधा काट रही हूँ मैं, देख आप चाहें तो इसको उधेड़ कर भी बना सकती हैं, शलवार को पहले उधेड़ लें, लेकिन मैंने इसको नहीं उधेड़ा, मैंने इसे ही इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि ऐसे भी आसानी से बन जाती है। ये देखो मैं दो बाजू तैयार हो गया, अब हम नीट कर देंगे अच्छी तरह, अब हम इसको नीट कर देंगे, रफ कपड़ा सारा काट देंगे। ये
कि हमारी नीट हो गई। ये हमारी ओक, ये हमारे बाजू और ये हमारी नीचे वाली खबरी। योग है इसकी गले की कटिंग करना कर रहा हूँ, आपको गले की कटिंग करेंगे, दोनों गले कर लेंगे। ये 2.5 इंच के मैंने निशान ऊपर लगाया, देखें और 2.5 के तकरीबन नीचे। इसके हम गुलाई कर लें, देखें ये आपने कटिंग कर दिया है ऐसे। कटिंग के बाद ये हमारा गला आ गया। एक सुई में थर डाला मैंने, योग के अंदर भी हम थोड़े थोड़े चौन डालेंगे, योग के नीचे सुई में धार डाल के आपने ऐसे मोटे मोटे बल डालने चाहिए, मोटे मोटे डालने, बारीक डालने चाहिए, डाल देते हैं बारीक बारीक डालने, सुई धागे से डाल सकती हैं आप। फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे दोनों साइड पे डालूंगी मैं, देखिए ये एक मैंने चोर डाल दिया। ऐसे आपने चोर डालने हैं, बच्ची की फ्रॉक है आप 14-15 इंच उस तक से रखें, बाकी सारे चोर भी डाल दें। खुली सी सीऊंगी ये, नहीं तंग बिल्कुल खुली सी होगी। ये देख मैंने दोनों में डाल दिए हैं, ऐसे आपने दोनों में डाल देने, दोनों में डाल दिया मैंने। अब हम इसके गले में पट्टी लगाएंगे, ये गले की पट्टी है, ये मैंने करा, इसके ऊपर मैंने पट्टी लगा दी है, देखो ये 1.5 इंच की पट्टी आप काट लें, तो बस उसको ऐसे डबल करके रखूँगी मैं, डबल लगाऊंगी। छोटे बच्चों का डबल लगाया अंग्रे, बुकरम वगैरह की ज़रूरत होती है बच्चों की गले के लिए, क्योंकि बच्चों के गले थोड़े नरम होने चाहिए ताकि सने संग सर में आ जाए। ये लगानी है आपने डबल पट्टी, अब हम दूसरे गले पे भी ऐसे करेंगे, अटैच कर लेंगे दूसरे गले पे भी पट्टी। नरम हाथ से पकड़ें पट्टी को, कपड़े को हम इसके इस जगह पर साइज रूल लगाया करें, गला अच्छी तरह बैठ जाता है, गुलाई में आ जाता है बहुत अच्छा। ये देखिए हम लगाती हूँ सिलाई, लगा दी, मैं बाद में इसकी सफाई कर दूंगी, अभी हम इसके कंधे की सिलाई करेंगे। पहले कपड़े को मोड़ के इसके बाद हम इसके दूसरे को इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे, ये अच्छी तरह लॉक हो जाता है। ये देखें आपने इसको ऐसे लॉक करना है, एक के ऊपर दूसरे को। ऐसे ही हम इसका करेंगे, नीचे इसको फिर इसके ऊपर इसको। घेर दिया ऊपर से, ये तो हमारी घड़ी पहले हमने रखी थी 15 इंच की, भी हो ज़्यादा लंबी ठीक हो गई है, बड़ी हो गई है थोड़ी, 17 इंच हो गया। इसमें हम वैसे चौन डालेंगे सुई धागे से, जैसे हमने योक डाले थे योक में, देखिए सुई धागे साथ डालूंगी मैं।
मैंने गोल गोल सी लिया इसको, दोनों तरफ से सी दिया गुलाई में। ऐसे पूरे बना लेंगे ऐसे। ये मैंने ऊन का धागा लिया है ग्रीन कलर का, इसको हम नीचे चढ़ाएंगे फिरकी में। अब इसके ऊपर आएगा ग्रीन कलर की शेड आएगी ताकि जो धागा लस्क लगे। देखिए इसमें डालना है हमने ये ऊन का धागा, थोड़ा मोटा है, बारीक ऊन है, मोटी ऊन नहीं है, बारीक ऊन वाला। बाजू में बाजू के आगे इसमें इसको घोड़ेंगे। नीचे हमने ग्रीन धागा चढ़ा दिया, ऊपर वाइट है, नीचे मोटे वाला धागा, ऊपर बारीक नलकी वाले। ये बाजू को हम ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ऐसे हमारी लुक आएगी ग्रीन कलर की। अब दोनों बाजुओं को हम ऐसे तैयार करेंगे। दोनों बाजू हमारे तैयार हो गए। अब हम इस धागा जो हमने नीचे चढ़ाया हुआ है उसको हम नीचे घघरी के नीचे भी लगाना लगाएंगे दो लाइनें। ये जो जहाँ नेफे की सिलाई थी ना नज़र ना आई, इसलिए हम उसके बिल्कुल ऊपर लगाएंगे। नेफे वाली साइड हमने नीचे की है ताकि वो नजर ना आए, बिल्कुल भी पता ना चले। ये हमारा पूरा हो गया, देखिए इतना अच्छा दे रहा है। अब हम जो नीचे वाली इसकी लाइन नजर आ रही है आपको फेगी मुड़ने वाली जगह, उसके ऊपर भी एक लगाएंगे। थोड़े फासले पे दरमियान में हम थोड़ी कढ़ाई करेंगे, ये इसके ऊपर भी लगा देंगे बिल्कुल ऐसे ही। लग गए हमारे दोनों लाइनें, हमें लगा ली हैं। अब हम इसकी ये जो घघरी वाली है इसके साइडों पे जो आपको नजर आ जाए जोड़ जोड़ के ऊपर भी आप ऐसे लगा दो ग्रीन कलर की लाइने। लगाऊंगी चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए मैं लगा दी, कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ बाजू अटैच करेंगे। इसके हमने बाजू टच करने हैं, बाजू के लिए जो इसकी कंधे कटिंग है वो ज़्यादा खुली है, इसके लिए हम इसको ऊपर यहाँ दो चोर तीन चोरडे डालेंगे। यहाँ देखो ऐसे, आप चाहें तो पहले मशीन से सिलाई लगा लें या हाथ से ऐसे डाल लें। एक मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है, पहले इसको चोर डाल दिए। अब मैं बाजू लगाऊँ अटैच करूँगी इसके साथ। बाजू के ऊपर तीन चोनट आएंगे छोटे छोटे, देखिए ऐसे।
ये हम घघरी लगा रहे हैं, उसके साथ गोल उसको सी लिया है बाजू को, उसको सीने के बाद हम घघरी लगा रहे हैं। नीचे हमारी बेटी में भी चोरा डाल, घघरी में भी, ये हमारी तैयार हो गई है फ्राक। देखिए अब इस धागे से इस पर कढ़ाई करेंगे, इस धागे से हम कढ़ाई करेंगे, ऐसे स्टार बनाएंगे। देखिए स्टार बनाए मैंने, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, बताती हूँ मैंने कैसे स्टार बनाए हैं इसके साथ। ये मेरे पास ऊन का धागा है, मेरे पास दुपट्टा भी है इसका, फ्राक का मैंने दुपट्टा भी तैयार किया है, उसके ऊपर मैंने स्टार बनाए हैं। ये मैंने अब इसके ऊपर हम पेंसिल से ड्रा कर लेंगे, स्टार बना लेंगे। जैसे हम स्टार बनाते हैं, स्टार की तरह शेप देंगे इसको, फिर इसके अंदर हम इसको बार बार धागों को ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, पहले दफ़ा हमने किया था, जब तक हमारा स्टार भर नहीं जाता। स्टार बन गया, हम और स्टार बनाएंगे यहाँ, एक और मैं दिखाऊंगी आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक मैंने स्टार को खा लिया बनाना, ऐसे आपने स्टार बना लेने हैं सारी जगह। बट मैंने चांद भी बनाया, एक बड़ा स्टार भी बनाया, उसको मैंने सादे टांके से बनाया है। बहुत अच्छी ड्रेस है ये, ग्रीन ग्रीन लुक भी नहीं देती, आप ऐसे ही पहन सकते हैं कहीं भी। ये देख रहे हैं आप, बड़ा स्टार मैंने बनाया, वो भी मैंने बनाया। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।